नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। ये दुनिया हर किस्म के लोगों से भरी पड़ी है। कुछ अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं। कुछ लोग दिल के नेक और सच्चे होते हैं तो कुछ थोड़े कटु होते हैं। आपने दरिया दिल लोगों को भी देखा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे दरिया दिल शख्स के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में आपने न पहले देखा होगा और ना ही सुना होगा, और ना ही इससे पहले इस तरह की दरिया दिली आपको कहीं देखने को मिलेगी, जो सीधा आपके दिल को छू जाए और घर कर जाए। हम बात कर रहे हैं दुबई के रेस्तरां मालिक की, जिनका नाम है कमाल रिज़वी, और वो दुबई के सिलिकॉन ओएसिस में द कबाब शॉप के नाम से एक रेस्तरां चलाते हैं। आपको बता दें, कमाल रिज़वी एक कनाडाई पाकिस्तानी नागरिक है और अपने रेस्तरां के जरिए बेरोजगार लोगों की सेवा करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बेरोजगार लोगों की सेवा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बेरोजगार लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है, तो हम आपको बता दें, उन्हें पेट भर खाना खिलाकर। जी हाँ, कमाल रिज़वी ने अपने रेस्तरां के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा है कि अगर आप नौकरी खोज रहे हैं तो आप हमारे यहाँ खाना खा सकते हैं। पैसे की चिंता मत कीजिए, जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप वापस आकर हमें पैसे चुका सकते हैं। इसी के साथ रेस्तरां ये भी अपील करता है कि बिना पैसे दिए खाना खाने को लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप इसे चैरिटी ना समझें, आप हो सके तो बाद में पैसे देने आ सकते हैं। कमाल कहते हैं कि जब लोगों के हाथ में नौकरी नहीं होती तो उनकी छोटी सी मदद कर उन्हें खुशी मिलती है। बता दें कि कमाल की इस दरियादिली के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल कमाल के रेस्तरां में कुछ लोग लगातार खाना खाने आते थे, ऐसे में उन लोगों की कमाल से अच्छी जान पहचान हो गई थी। इसी बीच कमाल ने देखा कि उनमें से एक शख्स रेस्तरां में आना छोड़ गया। पूछने पर पता चला कि उस शख्स की नौकरी छूट गई और अब इस रेस्तरां में खाने के लिए उस शख्स के पास पैसे नहीं हैं। जिस पर कमाल ने उस बेरोजगार शख्स को साथ लाने के लिए कहा और कहा कि वो बिना चिंता के खाना खाए, ये कोई चैरिटी नहीं है, वो इसे लोन समझे और जब उसकी नौकरी लग जाए तो वो पैसे वापस कर दे। अब आप अगर सोच रहे हैं कि इस रेस्तरां में जो लोग खाने के रुपए नहीं दे पाते उनका कोई रिकॉर्ड रखा जाता होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस रेस्तरां में बेरोजगार लोगों का ना तो कोई रिकॉर्ड रखा जाता है और ना ही कोई कागजात ही तैयार कराए जाते हैं। बस उन्हें एक तरफ बैठा कर भरपेट भोजन कराया जाता है। उनमें से कई लोग नैपकिन पर धन्यवाद लिख कर टेबल पर छोड़ जाते हैं। पूछने पर कि कितने लोग रुपए देने लौटते हैं तो रिज़वी बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे देने लौटते हैं, और क्योंकि उनके खाने का कोई हिसाब नहीं होता तो वो अपनी इच्छा अनुसार जितना ठीक समझते हैं पैसे दे जाते हैं। रिज़वी का कहना है कि मुझे इस सेवा से काफी सुकून और खुशी मिलती है, ये मेरे कारोबार पर भी ज्यादा असर नहीं डालता।